लगता है सोचनी दौड़ी में नहीं है। शायद ढूंढने से कोई सुराग मिल जाए जिससे पता चल जाए कि सचनी कहाँ है, उसका अगला प्लान क्या है। कहाँ ढूंढो? साचनी वापिस आ रही है, उसके आने से पहले मुझे जाना पड़ेगा। ओह नो, ये तो बहुत ही डर लग रहा है। ये कैसा मांग टीका है? ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा मेरे सेट के साथ, मैं बहुत गंदी लगूंगी। चाची प्लीज कोई और निकालिए ना, प्लीज चाची। सॉरी बट सुनो ना आपदा, देखो तुम्हें जो भी इयररिंग डिसाइड करना है प्लीज करो, मुझे मैं थक गई हूँ। ऑलराइट ओके चाची, मैं डिसाइड करती हूँ जल्दी। वो डायमंड वाला लेके आइए, वो बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। रक्षित जीजू ने कहा था मुझे इस लवन्य पे नजर रखनी होगी। लुक एट दिस, क्या हुआ लावण्य, वहां क्या देख रही हो? क्या हुआ दाना चुगने ब्रिज पे उड़ी चिड़िया, दाना चुगने ब्रिज तक उड़ी चिड़िया। हाँ, एक चिड़िया कौन से ब्रिज पर उड़ी चिड़िया, कैसे उड़ी चिड़िया ब्रिज तक, कैसे उड़ी चिड़िया ब्रिज तक, कैसे उड़ी चिड़िया तुम बोलो, कैसे उड़ी चिड़िया कौन से ब्रिज पे उड़ी चिड़िया, किधर है वो ब्रिज? दिवी, एक चिड़िया उड़ी चिड़िया, ये चिड़िया पर अब इसको चेंज करो ना, ये बोरिंग हो रहा है, मुझे दूसरा सुनना है, दूसरा वाला प्लीज 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 दूसरा वाला। अरे दी, वो वाला गाना सुना ना जो पापा ने सिखाया था, और मम्मा कितनी हंसती थी सुनके। हाँ, और तू कितना डर जाती थी। इंसी विंसी मकड़ा ऊपर चढ़ गया, नीचे आई बारिश धुल गया मकड़ा, बाहर निकला सूरज सूख गया मकड़ा। मकड़ा 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 मकड़ा, बहुत सारे मकड़े। नहीं सिमरन, रिलैक्स सिमरन, सिमरन सिमरन, कोई मकड़ा नहीं है। सिमरन क्या है? मकड़ी, वो बाबा बहुत सारे मकड़ी, मकड़ी वो ब्रिज में, मकड़ा वो ब्रिज के नीचे, उसका उस रात मकड़ी, बहुत सारी मकड़ी के नीचे, मकड़ी बहुत सारी मकड़ी। कहां पे, किस ब्रिज? और क्या था, और क्या था बताओ ना सिमरन, सोचो उस ब्रिज पर और क्या था? वो कोई आवाज नहीं कर रहे थे,
कोई आवाज नहीं कर रहे थे। वो तो वो 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 तो हाँ, इनको सेम यही आवाज थी वहाँ पे। टंग टंग टंग, घंटियों घंटियों वाली आवाज। हाँ, घंटियों वाली आवाज। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स दी। जल्दी से इंटरनेट पे मैप चेक करो कि कौन से ब्रिज के पास मंदिर है और कौन से मंदिरों के पास ब्रिजेस हैं। जल्दी मैं चेक करती हूँ। मिल गया, दो मंदिर है ब्रिज के पास। कौन से मंदिर, कौन से ब्रिजेस कहाँ पे है? एक पास में ही है और दूसरा एक घंटे दूर। पास वाला हनुमान मंदिर के पास है और दूसरा वाला गणपति मंदिर के पास। सिमरन, तुम्हें याद है कौन से मंदिर के पास वो ब्रिज था? ये सॉन्ग चेंज करो ना, ये बहुत बोरिंग है। कोई दूसरा वाला लगाओ, मेरे को नहीं सुनना। चेंज करो। दी, लेट्स डू वन थिंग, हम अलग अलग चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं दूर वाले मंदिर के पास जाती हूँ और तू पास वाले मंदिर के पास जा। और ये सिम का क्या करें, उसको घर ड्रॉप करते हैं? नहीं नहीं दीवी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। याद है ना चिरंजीव अंकल ने क्या कहा था? जहाँ पड़ेगी आखिरी रोशनी, यानी सूर्यास्त से पहले हमें वहाँ पर पहुँच के पिशाचिनी की इंसानी राख को ढूंढना है और फिर रक्षित सर की शादी। मैं ये नहीं होने दूंगी। अब वर पूजा होगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनुहरि। मॉम, डोंट बी अपसेट ना। अब सनी भैया को जो करना था उन्होंने कर ली ना। लावण्य भाभी को भी तो खुश होने का मौका देना चाहिए। अब उनकी खुशी अगर रक्षित भैया में है तो इट्स ओके ना मॉम। कम ऑन, इट्स ओके। मैं आज इस मंडप में सिर्फ इसलिए बैठा हूँ ताकि जान सकूं कि साचनी ये शादी करवा कर मुझे क्या नुकसान पहुंचाना चाहती है और इससे दिव्य दृष्टि को क्या खतरा हो सकता है। रक्षित की लावण्या से हो रही है शादी, स्वाहा। अब लावण्या मेरे प्लान को देगी अंजाम, स्वाहा। अब रक्षित का प्रोटेक्शन पैराशूट हो जाएगा फुस, स्वाहा। वैसे दीदी कुछ तो गड़बड़ है। क्या? अगर पास वाला ब्रिज हनुमान मंदिर के पास है तो सिमरन वहाँ क्यों गई होगी? कोई भी लड़की सगाई से पहले हनुमान मंदिर क्यों? अरे कोई गाना क्यों नहीं बदल रहा है, मैं खुद ही बदल लेती हूँ। सिमरन, यही वाला गाना बज रहा था उस दिन, यही सुना था मैंने उस मंदिर में। और नो, डिट्टो ये वाला गाना बज रहा था, घंटियां भी बज रही थी ऐसे टंग 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 टंग। थैंक यू सिमरन, थैंक यू सो मच। दी, आपका गेस सही निकला। कोई भी नया काम शुरू होने से पहले या शादी से पहले लड़की गणपति मंदिर ही जाती। लेट्स गो दीदी, हम वहाँ पर सूर्यास्त से पहले पहुँचे और पिशाचिनी के वो इंसानी राख को ढूंढ के हम उसे नष्ट कर दें। लेट्स होप, लेट्स गो। चलना देवी, जल्दी चला। पिशाचिनी ने ये ब्रिज तोड़ा होगा लेकिन फिर जादू से वापस जोड़ दिया ताकि किसी को शक ना हो। नहीं सिमरन, देखो कुछ नहीं हुआ है। देखो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। सी, आ जाओ। कुछ भी नहीं हुआ है। दी, सनसेट होने वाला है। वो काला नारियल का पेड़ कहाँ पे है? जिस जगह पे सूरज की आखिरी रोशनी पड़ेगी उसी जगह पे मिलेगा उस पिशाचिनी की इंसानी राख। क्या करे अभी? भाभी गाना, गाना। एक नारियल, अनेक नारियल, हाँ। काला नारियल कहाँ है पेड़, वहाँ है पेड़। मिल गया, मिल गया। दी, सनसेट होने वाला है, उसकी आखिरी रोशनी ब्रिज के नीचे गिरने वाली है। आखिरी मतलब सूरज की रोशनी। चलो चलते नीचे। अच्छा चल।
जा रहे हैं। किरारणम भूतगढ़ादि सेवितम कपित जंपल चार भक्षणम उमासुत शोक विनाश कारकम। वर पूजा हो गई, वधू को बुलाइए। जी दिव्या बेटा। दिव्या माँ वो तो अभी तक नीचे ही नहीं आई है। क्या? हाँ वो बड़ी माँ एक्चुअली। और सिमी? शिखर सिमी भी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। किसी ने देखा उसे कहाँ गई है? क्या सिमी नहीं है? दिव्या यहाँ नहीं है? कहीं दृष्टि ने? नहीं नहीं बड़ी माँ क्या बोल रही हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली दिव्या सिमरन अपसेट थी ना, तो दिव्या कह रही थी कि वो सिमरन को बाहर ले जाएगी हैंग आउट कराने, पर फिर भी वो यहाँ है कि नहीं मैं चेक करता हूँ। जल्दी जाओ का समय हो गया है, वधू को बुलाइए। अब मैं लावण्या बाबू को बुला के लाती हूँ। हाँ नहीं मत छोड़, मत लगाना, पीछे आ जाओ, इधर आओ। दी आज सनसेट 7:03 में है, आखिरी रोशनी यही कहीं गिननी चाहिए। हाँ 6:56 तो हो गए, इसका मतलब हमारे पास अभी भी 7 मिनट है। दिव्या हमें जो करना है जल्दी करना होगा, दिव्या जो सोचना है जल्दी सोचना होगा। हाँ मतलब वहाँ पर वो शादी। दी टेंशन मत लो, शिखर रूमी सब संभाल लेंगे। ओके भाभी। पंडित जी ऐसे कैसे लेकर चली गई वो उसे, मतलब ऐसा होता है क्या? घर में शादी का माहौल है और मुझे नहीं पता कि मेरी सिमी घर पे है या बाहर गई है। शिखर को भेजा था उसे देखने, वो भी वहीं रह गया। मैं जा रही हूँ सिमी को देखने उसके कमरे में। मैं भी आती हूँ। मैंने रूमी से कहा था कि लावण्य पे नजर रखे, आई होप कि वो पकड़ा ना गया। चुपचुपली नहीं 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 लावण्या भाभी। सिमी सिमी एक 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 मिनट। अच्छा तो सिमरन तुम्हारे साथ है ना, और कहाँ हो तुम लोग? ओ लॉन्ग ड्राइव ओके। पर दिव्या लेकिन तुम्हें बता के जाना चाहिए ना, या चाची जी और बड़ी माँ दोनों इतनी टेंशन में हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ सिमरन, आई मीन मुझे पता है कि तुम उसका ख्याल रखोगी, बट ड्राइव सेफ, बी सेफ और घर जल्दी वापस आ जाना। बाय। वो चाची जी आपको पता ही है ना कि घर में एक्चुअली शादी का माहौल है, और सिमरन की शादी नहीं हो सकी इसलिए दिव्या उसका मन बहलाने के लिए उसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके गई है। पर चाची जी डोंट वरी, शी इज फाइन, वो ठीक है और उन्हें घर जल्दी वापस आ जाएंगे। भाभी इस घर में कुछ गड़बड़ है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। नीचे मेरी बहू लावण्या की दूसरी शादी हो रही है, मेरे बेटे सनी को कोई परवाह नहीं है, और मेरी सिमी उसकी ये हालत हो गई कि रिलैक्स रिलैक्स सोचे सुनी। कभी कभी झोंका ऐसा आता है कि सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। चलो बाहर चलते हैं शादी में। आओ आओ मेरे साथ आओ। आई होप तुम तीनों ठीक हो और तुम लोगों का काम हो गया। ये हमारी लड़ाई है प्रशासन के साथ, इसमें हम किसी मासूम की जान खतरे में क्यों डालें? मैं क्या करें? एक काम कर, तू यही रुक, मैं अभी संभाल के नहीं हम जाते हैं। सिमरन मैं सोच रही थी इतनी अच्छी जगह है, इतनी अच्छी इवनिंग है, हाँ क्यों ना हम हाइड एंड सीक खेले। हाँ भाभी खेलते हैं, मैं बचपन में बहुत खेला करती थी, चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। एक काम करो तुम ना उस कार में जाके छुप जाओ। ओके हरी हाँ ठीक है मैं छुपती हूँ जाके। अच्छा सिमरन लेकिन अगर तुम उस कार से बाहर निकली और मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम गेम से बाहर आउट हो जाओ। नहीं 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 भाभी मैं तो अच्छे से छुप जाऊंगी। वेरी गुड, आप मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे, मैं बाहर नहीं आ रही। जा 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 चलो। अरे आप जाओ निकलना नहीं।
दी, दी, 7:03 में सनसेट होगा। सनसेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है। आखिरी रोशनी यही कहीं पढ़नी चाहिए। शांत हो जाना दीवी, पढ़ेगी। अभी तक नहीं पढ़ी, अब क्या करेंगे? सनसेट हो गया, आखिरी रोशनी कहीं भी नहीं पढ़ी, अब क्या करेंगे? दीवी शांत हो जा, अगर रोशनी नहीं पढ़ी है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। देख चिरंजीव अंकल ने क्या कहा था, उनके हिसाब से आखिरी रोशनी पड़ेगी। जा वॉट चिरंजीव अंकल, वॉट चिरंजीव अंकल, हाँ वो खुद भी शासनी के साथ मिला हुआ है। ओके इतना कठिन पहली देने की क्या जरूरत है, साफ साफ इजी लैंग्वेज में नहीं कुछ कितने बार में शांत हो जा, बकवास हो जा दीवी। क्या हो सकता है शायद उनकी बातों का कुछ और मतलब हो। राइट क्या कहा था उन्होंने, काली आत्मा का घेरा काले दिल की निशानी। राइट काला नारियल का पेड़, ये पे मर के बनी थी पिशाचनी। नाउ व्हाट, काले आत्मा का घेरा काले दिल की निशानी। राइट काले आत्मा काला दिल, उसका सब कुछ काला, बकवास। काले नारियल का पेड़ है जहाँ, वही झुलस के मिट गई थी वो इंसानी और वही बनी थी वो पिशाचनी। राइट दी सब कुछ हो चुका है, आखिरी रोशनी नहीं पड़ी है, डू यू अंडरस्टैंड? जस्ट फॉरगेट इट, पूर्णमासी की रात कयामत की रात होगी, होनी अनहोनी जो भी होगी पूरे चांद की आधी रात को होगी। दीवी क्या है, आखिरी रोशनी का मतलब चांद भी तो हो सकता है। देख क्या कहा था उन्होंने, आखिरी रोशनी पड़ेगी जहाँ, वही मिलेगी उसकी आखिरी कहानी। राइट तो अगर सूरज की रोशनी नहीं तो चांद की रोशनी भी तो हो सकती है, देखना। मुझे नहीं पता दी, शांति ओम विश्व देवा, शांति ओम ब्रह्म शांति ओम शांति देव ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम द्यो शांति ओम अंतरिक्ष शांति ओम पृथ्वी शांति ओम वनस्पति शांति ओम ओम विश्व देवा शांति। हाँ दीवी अब इस मिट्टी को खोदते हैं, शायद उस पिशाचनी की इंसानी राख यहीं कहीं दफन होगी। हाँ। कि वो इंसानी राख रखी हो। हाँ यहाँ से शुरू करें। हाँ। एक मिनट आप मेहनत क्यों कर रही हो मनोगामी शक्ति? कुछ मिला क्या दी? नहीं दीवी अभी तक तो कुछ नहीं दिखा, करना दीवी। मैं अभी थक गई हूँ, कुछ नहीं मिल रहा, थोड़ा सा और कोशिश करना दीवी। यहाँ से भी हाँ, मैं बहुत थक गई दीवी, प्लीज ट्राई कर, हमें करना ही होगा ना। दीवी हाँ वो देख वहाँ वहाँ कुछ है, रुको ये देख दीवी यहाँ कुछ है। हाँ ये तो गुप्त दरवाजा, यहाँ पे चेन है, देखो खोलते खोलते। दी मुझे बहुत डर लग रहा है। डर ना दीवी, हम जिस काम के लिए आए ना हम वो करके ही जाएंगे। हाँ हाँ यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं जाके देखती हूँ। क्या नीचे तू सीढ़े है? एक काम कर, पहले मैं जाती हूँ, जाके सब चेक करती हूँ फिर तू आना। ओके मैं जाके चेक करती हूँ। दीदी अंदर चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी हो तू, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। मैं तुझे छोड़ने भी नहीं दूंगी, बी स्ट्रांग, आराम से मैं जाती हूँ। हाथ तो अपना आराम से जाओ। आप
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।